हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है वो है गूगल शीट को लेकर के, ठीक है। और गूगल शीट में आज क्या बताऊंगा आपको, आइए दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये गूगल शीट ओपन है, देख सकते हैं। और हमें यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिलता है तो एक्सटेंशन पे आ जाना है और यहाँ पर मैक्रोज मिलता है तो बस ये रिकॉर्ड मैक्रो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और अब जो भी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है उसे इसी तरीके से चलने देना है, यानी हमारी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे ना वो आपका रिकॉर्ड होता चलेगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पर रोल नंबर लिखा हमने, फिर यहाँ नेम लिखा, ठीक है, तो NAME ये नेम लिखा और यहाँ पर रोल नंबर में 1-2 किया और यहाँ पे इसको ड्रैग करवा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये ड्रैग करवाया, फिर यहाँ पे नेम में भी क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन बनाएंगे, एक इतना हिस्सा सेलेक्ट करके यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, डेटा टाइप पे जाकर के और यहां से जाएंगे, ये डाटा वैलिडेशन है, यहां पर आए और डाटा वैलिडेशन पे ऐड रूल पे जाएंगे और देखिए यहां पे ड्रॉप डाउन दिया गया और यहां पे ये दिया गया है। तो क्या करना है हमें यहां पे ऑप्शन 1 हटाना है और यहां पर कुछ लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया राम, ठीक है। और आप चाहे तो कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये एडवांस ऑप्शन है, ठीक है, गूगल शीट में। और यहां पर आएंगे तो यहां पर श्याम कर देते हैं, ठीक है। फिर इसका भी कलर आप चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हैं, यहां पर ये देखिए ये वाला कलर मैं दे देता हूं। फिर थर्ड वाले के लिए अनदर आइटम ऐड करना है इसमें और थर्ड वाले के लिए यहां पर आकर के और इसको एक नाम दे देंगे, जैसे यहां पे मोनू लिख देता हूं, ठीक है। और फिर यहां पे फोर्थ वाले के लिए फिर आगे आएंगे और यहां से जो भी कलर आपको ठीक लगता हो वो चूज करके फिर आगे बढ़िए। और यहां पर क्या करना है आपको, वैल्यू में आकर के अगला नाम लिख देना, जैसे रितेश लिख दिया तो ये हो गया। और फिर यहां पर नीचे आएंगे, फिर वही काम यहां पर जाकर के, और देखिए इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं चाहे तो। अभी फिलहाल यहां पे रखता हूं और यहां पे RAJ राज एक और नाम लिख दिया। और यहाँ पे अनदर आइटम पे आएंगे और अनदर आइटम पे आके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं तो कस्टमाइज करेंगे तो क्या फायदा होगा, यहाँ से जो भी कलर आप चूज करेंगे ना वही कलर आएगा। तो जैसे ये कलर हमने चूज करा, ये देखिए ये कलर है ना, यहाँ पर आएंगे और इधर आएंगे और देखिए इसमें से जो कलर आप चूज करेंगे वही कलर बन जाएगा। तो देखिए अब ये कलर बनेगा तो यहाँ पर ये कलर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये वाला, तो ये ले लिया हमने, ठीक है। या फिर कोई हल्का कलर ले सकते हैं, कोई भी ऐसा कलर, तो ये कलर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर जो है यहाँ पे एक और नाम लोकेश दे देते हैं। तो ये इस तरीके से और भी आगे आप काम कर सकते हैं और यहाँ पर ये दे करके और यहाँ से डन करिए, डन कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है इसको ऐसे सेव करना है, ठीक है। और इसको एक नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं स्टूडेंट नाम दे देते हैं, ये स्टूडेंट नाम दे दिया। और इसकी शॉर्टकट की बना लेंगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट 1 कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट 1, यानी शॉर्टकट की भी हमने असाइन कर दी और इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये सेव हो रहा है और ये अब सेव हो चुका है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कलर के साथ साथ देखिए बैकग्राउंड के साथ साथ ये नाम जो है आ रहे हैं इस तरीके से, देख लीजिए आप, ठीक है। ये तो इसका फायदा है ये गूगल शीट यूज करने का, यहाँ पे राज हो गया, हो सकता है कोई नाम रिपीटेड भी हो तो यहां से ये नाम हम रिपीट कर लेते हैं मूल, तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसका फायदा क्या रहा, तो इसका फायदा आपको दिखाता हूं रहा है, लेकिन एक चीज देखिएगा आप, जैसे ही हम एक्सटेंशन पे जाएंगे तो यहाँ मैक्रोज मिलेगा और यहाँ पे स्टूडेंट वाला जो हमने बनाया था ना वो भी आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शीट पे दिखाई देगा, हर शीट पे दिखाई देगा, जैसे यहां पर आते हैं तो यहां पर भी आपको दिखेगा। और जब भी आपको इंसर्ट कराने का मन करे ना तो आपको इसे सेव करने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि ये तो सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहां से जाकर के एक्सटेंशन पे और मैक्रोज पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आ रहा है ना, तो आप कंट्रोल प्रेस कीजिए, फिर शिफ्ट प्रेस कीजिए, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्रेस कीजिए और 1 प्रेस कीजिए, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे और देखिए कि सेम वही चीज जो है क्रिएट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। इसको एक बार ऑथराइज करना होगा तो यहां से मैं ऑथराइज कर देता हूं, तो ये ऑथराइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, अलाउ कर देता हूं। और अब आप देखेंगे कि यहां पर जो है ऑथराइज करने के बाद ये लीजिए, ये आपका रन कराने के बाद ये आ चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि जब ये आ रहा है तो इसमें जो है कलर वगैरह जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन आप जो भी इस तरह की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं और आपका काम आसान हो जाएगा, आपको सेव नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम बहुत आसानी से होता चला जाएगा। तो ये एक फायदा है इसका, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।